तो पहले से योरा क्वेश्चन ले पहले जी। जी, इससे शुरू कर लेते हैं हम। मैंने ना बड़े सिलेक्टिव क्वेश्चंस रखे हैं ताकि लाइव इंटरेक्शन ज्यादा हो सके, हम उसका टाइम बढ़ा भी सकते हैं अगर हमारे जो है क्वेश्चंस जो पहले वाले जल्दी आंसर हो जाते हैं। ओके मैं समझ गया हूँ। आई एक्चुअली आई हैव लॉस्ट माय स्क्रीन। किधर है आपका तुम? ओके मुझे ना ये जूम इतना अभी आया नहीं है सही तरीके से। आई डोंट रियली नो हाउ टू ऑपरेट दिस सो वेल। ओके सो अच्छा, लास्ट टाइम साहिल भाई एक थोड़ी सी कुछ हमें यूजर्स ने शिकायत भी की थी कि आप बहुत तेजी तेजी से लास्ट टाइम अपने क्वेश्चंस को जवाब दिया, थोड़ा यानी थोड़ी सी डिटेल में जाने। श्योर श्योर जैसा आपको मुझे आप बता दीजिएगा कि इफ यू नीड मोर डिटेल। असल में जब सवाल ज्यादा होंगे तो फिर मैं मेरी ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर किए जाए। जो लंबा जवाब है ना उसके लिए वी कैन हैव एंड वी हैव टू हैव विच वी आर ऑलरेडी हैविंग एज वेल कि हर टॉपिक की अलग से आधे घंटे की एटलीस्ट एक तफसील जरूर दी जाए जितनी हो सकती है। टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर। सो वो उसके लिए मैं फिर दैट्स व्हाई आई थॉट कि हमने उस तरीके से अलग सेशन करना है रादर देन कि हम सब के सब क्वेश्चंस को लंबा आंसर करें तो फिर तो सारे क्वेश्चंस कवर नहीं हो सकेंगे। ठीक है, जैसे आप बेहतर समझते हैं, जैसे आप बेहतर समझते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं, आप जैसे बेहतर समझते हैं ताकि फ्लो में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ले सके। ठीक ठीक है तो आप मुझे है, रिपीट द क्वेश्चन। सवाल जी प्लीज। अच्छा, सवाल यह है कि क्या ख्वाब की असल में कोई हैसियत है? आरंट मुस्लिम्स बीइंग रेडिक्यूल्ड राइटली टू बी सुपरस्टिशियस एंड इरेशनल टू टेक दिस सो सीरियसली। ओके या वी विल बी रिडिक्यूल्ड दैट्स ट्रू। द मोर साइंस इज गोइंग टू बी प्रोपगेटेड इन द इंटेलेक्चुअल रेलम और वाली फैकल्टी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी दिखाई जाएगी जिसमें के मैटर एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स विच कैन बी फेल्ट बाय द फाइव सेंसेस जो पांच हिस्से हैं हमारी उनके भी उन उन उनसे अगर कोई चीज मेजर नहीं की जा रही महसूस नहीं की जा रही तो साइंस उसको ज्यादा रिकग्निशन नहीं देती एंड ज्यादा से ज्यादा मामला ऐसा रहेगा। और ये इतना जरूरी सवाल है क्योंकि ये वो वाहिद चीज है जो साइंटिस्ट जितना मर्जी सट पटा ले उसको रात को सोने में ख्वाब तो आएगा। अब वो जो मर्जी कर ले इसको वो डिसप्रूव करने के लिए जितने मर्जी हथियार निकाल ले जैसे ही वो अपने जरीदे लिख लेगा थक के सोएगा तो फिर उसको ख्वाब को दिया जाए। व्हाट इज इट गोइंग टू बी देयर इज समथिंग विच हैज टू बी प्रूवन आउट ऑफ द रेलम ऑफ मैटर एंड एंड द यू नो द नोन फैकल्टीज ऑफ साइंस। ख्वाब क्या होता है ये इसके ऊपर न्यूरोबायोलॉजी के अंदर बहुत काम किया गया है। दे कुडन्ट रियली कम अप विद समथिंग विच इज जिसके ऊपर अभी तक कहीं पे भी ठहराव आया हो किसी भी एक हाउस का साइंस में कि ये क्या केमिस्ट्री है दिमाग के अंदर कि जो ख्वाब को जो है ना वो एक बाकायदा एक पिक्टोरियल व्यू देती है। और अभी तक की जो दो तीन तीन मेजर एक बहुत मशहूर और तीन उसकी दो उसकी कॉन्ट्रोडिक्टरी थ्योरीज हैं तीनों के तीनों साइंटिस्ट जो साइंस की जो तीनों ख्वाब के बारे में थ्योरीज हैं वो ऐसी हैं कि आप वो खुद भी यही कहते हैं कि दिस इज जस्ट वन ऑफ आवर वेज ऑफ एक्सप्रेशन वी डू नॉट रियली नो व्हाट इट इज बिकॉज जो कुछ केमिस्ट्री साइंस जो दिमाग की केमिस्ट्री को उनको पहुंची है जहां तक वो ढूंढ पाए हैं ख्वाब को वो यही है कि बस बिल्कुल बात दिन में जो
गुजारा हुआ जितना भी मामला है एक इंसान का, वो वापस एक मेमोरी हिपोकैम्पस से आपको वो एक खास जिसे कहते हैं ना एक्सेस मिलता है दोबारा से। अब वो हदीस से साबित है इस तरह का भी ये ख्वाब है, ठीक पहुंचे हैं वो, मगर उन्होंने ये नहीं कहीं से कोई नई बात नहीं की, ये तो बगैर साइंस के भी पता थी कि हाँ दिन में गुजारे हुए कोई मामला रात को फिर दोबारा से दोहराई में आ जाते। मगर वो ऐसे क्या मामला हैं कि जो अगले दिन के हैं, जो आपके या अगले साल के हैं या 10 साल बाद का वाकया, वो जो आपके 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 ख्वाब में आता है आपको, तो वो क्या है? वो फिर एकदम वो फिर एक इंतहाई ज्यादा कहते हैं क्रूर टर्मिनोलॉजीज के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो कि वो खुद भी इस बात को मानते हैं कि नहीं ऐसा ऐसा कुछ हमारे इल्म में अभी तक आया नहीं। तो जब आपके पास इल्म में कुछ नहीं आया हुआ, तो जो शख्स भी कोई बगैर इन 5 हिस्सों के एहसास के मेजर के वो कोई बात करेगा, जैसे एक मुसलमान बात करता है, ये ख्वाब जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से की गई एक खास गुफ्तगू है, एक मोमिन का ख्वाब, एक सच्चे आदमी का ख्वाब, जो कि ऐसा कोई मामला बयान नहीं करता जो उसके दिन में या उसके जहन में पहले से मौजूद हो, तो वो क्या उसको कैसे फिर why would they criticize that? But ये मैंने आपसे कहा ना, ये ridicule रहेगा, because people will not have Muslims do not have anything जो कि साइंस की बिना पे वो प्रूव कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह होना भी नहीं चाहिए। और ये ख्वाब मेरे ख्याल से, मेरी अपनी राय है कि ख्वाब एक वो दुनिया है कि जो कि अल्लाह ताला ने एक निशानी के तौर पे हर इंसान को, काफिर मुसलमान दोनों को ये बता दिया हुआ है कि बात तो कुछ है इसमें, ये अनडिनाइबल ट्रूथ है जो कि किसी भी लेवल के ऊपर, कोई भी मजहब हो, कोई भी फिरका हो, कोई भी जात हो, कोई भी नस्ल हो, जब भी एक कॉमनैलिटी निकाली जाएगी तो वो यही रहेगी कि as soon as the human being is going to close his eyes, he's going to enter a totally different world and that world is not explainable. नबी अलैहिस्सलाम ने इसको 3 तरह के अलग अलग कैटेगरीज में एक्सप्लेन किया। एक वो कि जो कि आपके जहन में कोई ऐसी चीज जो कि दिन के दौरान आपको आई तो वो रात को आपको दोबारा से नजर आ गई, और दूसरा शैतान का वो वाला हरबा जो आपके ऊपर उसने कोशिश की कि चला दे, शैतान का वो हरबा, तो वो जो है वो उसने कोई ऐसा कोई मामला करने की कोशिश की आपके साथ। और तीसरा जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी आपकी गाइडेंस हुई जो कि मोमिनीन की रहेगी। अब चूंकि ये तीनों चीजें नबी अलैहिस्सलाम ने इतनी इंपॉर्टेंट करके बता दी, इतनी जरूरी बातें हैं कि शैतान की तरफ से आपके ऊपर कोई मामला हुआ है, कोई ऐसी चीज जो कि आपको शैतान की तरफ से आई है ख्वाब में, या फिर अल्लाह की तरफ से कोई स्पेशल गाइडेंस आई है, तो ये दोनों इतने बड़े मामलात हैं कि इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते थे, और इसको अंडर एस्टिमेट इसलिए भी नहीं कर सकते थे बिकॉज अमूमी तौर पे मतलब ख्वाब तो सबको ही आता है, मगर इतनी ज्यादा मिसालें हैं इस बात की कि ख्वाब जो है वो कुछ लोगों के इतनी क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं उसको कि लोगों को कि यू नो देर अनडिनाइबल इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस जो कि सब सच साबित हो जाते हैं, और मामला जो है वो उसी तरीके से चल रहा होता है जिस तरीके से ख्वाब ने गाइडेंस दी होती। और सबसे ज्यादा जरूरी बात ये थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया कि आखिरी एंड ऑफ टाइम्स में स्पेशल दज्जाल के दौर में मोमिनीन को अल्लाह ताला ख्वाब के थ्रू गाइडेंस देंगे। अब वो इससे ज्यादा जरूरी अब क्या बात हो, इससे ज्यादा जरूरी क्या हदीस हमारे जमाने के बारे में कि हर इंसान को जिसको अल्लाह चाहेंगे ख्वाब के थ्रू गाइडेंस देंगे। इस पे अबू बकर सिद्दीक की एक डायरेक्ट हदीस है, उन्होंने जब पूछा गया कि ये सच्चा ख्वाब जो है वो किसको होता है, किसका कैसे पता चले कि ख्वाब सच्चा है, तो उन्होंने पहले तो सारी निशानी बताई कि सच्चे आदमी का ख्वाब सच्चा ख्वाब,
So if you are an honest man, a truthful man, and a man who has jis bande ki character ko jo hai na wo aapka deen validate karta hai, uske khwab ko serious lena zaruri hai. Uska matlab hai ki usko guidance aayegi. Ab mera apna falsafa ye hai ki Allah Taala ne chunki hum sabko ye rule bata diya hua hai aur Abu Bakr Siddiq رضی اللہ عنہ ke through ye hame aur bhi zyada taqviyat mil gayi is baat se ki jab Allah Taala kisi ko guidance dete hain to us kitab ko agar assassinate karne ki koshish ki ja rahi ho to phir to bahut hi bada nuksan ho jayega hamara, because ab jo fitne ka daur shuru hona hai ki Quran se bhi galat matlab nikale jayenge, hadith se bhi galat matlab nikale jayenge, balki hadith ko to bilkul hi khatam karne ki koshish ki ja rahi ho. हर बंदा अपनी अपनी राय बता रहा होगा, तो कहाँ से फिर उसको गाइडेंस आए, वो भी दजाल जैसे फितने में, तो फिर वो वहीं से गाइडेंस आएगी कि जहां से कोई और इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटरवेंशन बीच में कोई पोल्यूशन ना कॉज कर रही हो, तो वो वही है. इससे ज्यादा प्योर कनेक्शन क्या होना है कि जब आप सोते हैं तो आपको कोई ऐसे मामला अल्लाह ताला डायरेक्ट गाइडेंस देते. फिर नबी अलैहिस्सलाम ने जब कहा ना कि इसने ख्वाब में मुझे देखा तो उसने मुझे ही देखा, शैतान मेरी शक्ल नहीं बना सकता, और इसने काबे को ख्वाब में देखा तो काबा ही देखा. तो ख्वाब तो हमारा एक पार्ट ऑफ द लाइफ, व्हाट्स द वर्ड, लाइफ ऑफ नॉलेज एंड लाइफ ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट माय लाइफस्टाइल इज गोइंग टू बी, व्हाट माय इवेंट्स आर गोइंग टू बी. फिर कुरान पाक में कोई ऐसा बंदा भी नहीं जो मुनकर हदीस हो, वो भी ऐसी बात को नहीं डिनाई कर सकता, क्योंकि कुरान पाक में यूसुफ के ख्वाब को किस तरीके से और जो वही का जो एक खास कैटेगरी है वो भी यही है कि अबिया को जो ख्वाब आते हैं वो उसके थ्रू भी वही का जो है ना सिलसिला, वो बाकायदा अहकामी सिलसिला जो चलता है. तो हम तो बहुत ही मतलब एज मुस्लिम्स हमें तो बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए था ख्वाब को, इतना ज्यादा कि हमने बिल्कुल इसको डीवैल्यू करके छोड़ दिया. और आई थिंक ये सबसे बड़ी चालों में से एक चाल है शैतान की कि ख्वाब को सीरियस नहीं लें. और चूंकि हमने ख्वाब को सीरियस नहीं लिया, उसकी क्या निशानी है? एक तो ये कि हम जो ताबीर रोया है उसके ऊपर किसी भी किस्म का हमारा और कोई गिरफ्त नहीं. दूसरा हम ख्वाब को चूंकि इंटरप्रेट नहीं कर सकते, उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि हमें शौक भी नहीं है इंटरप्रिटेशन का, और शौक हो भी तो हमें कोई वो नहीं है, इसकी नॉलेज नहीं है. तो इसकी किल्लत जो है ना, ये ताबीर रोया के प्रोफेसर्स की जो किल्लत है वो ही बता रहा था कि कौम ने ख्वाब को सीरियस नहीं लिया. अब जब हदीसें पढ़ते हैं ख्वाब के बारे में तो इतना बड़ा जो है ना कन्फ्यूजन हो जाती है एक मुझसे मुसलमान को कि फिर क्या करें, कैसे गाइडेंस को इंटरप्रेट करें. हजरत यूसुफ का ख्वाब अगर हम पढ़ लें तो कौन है जो बंदा वो बता सकेगा? मौलाना सीरी तो जिंदा नहीं है, मौलाना इस्माइल भी जिंदा नहीं है. अब मैं क्या करूं, किसके पास ऐसा जाऊं कि वो जो ख्वाब को इस तरीके से इंटरप्रेट करे कि वो अल्लाह ताला की डायरेक्ट गाइडेंस को मुझे समझ आ जाए. अब जाहिर है सिवाय नबी अलैहिस्सलाम के और काबा के किसी भी लेवल के ऊपर ख्वाब को, ख्वाब में कुछ भी देख लिया आपने तो उसको इंटरप्रेट करने की एक प्रॉपर नॉलेज की जरूरत है, इतनी ज्यादा कि नबी अलैहिस्सलाम की. और ये बहुत जरूरी बात है, सबको पता होना चाहिए कि रोज फजर की नमाज के बाद नबी अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत थी वो ये थी कि फजर की नमाज के बाद नबी अलैहिस्सलाम सहाबा से बाकायदा रोज इंक्वायर करते थे कि आज किसी को कोई ऐसा ख्वाब आया है जिसको याद हो तो हमें सुनाए ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें. और नबी अलैहिस्सलाम की डायरेक्ट ताबीर, नबी अलैहिस्सलाम के अलावा कि या किसी ने ताबीर कर ली तो the source of knowledge used to give sallallahu alaihi wasallam the interpretation of the dreams. Phir ye itni tawatur ke sath sunnat thi ke phir ek dafa ek sahabi ne khwab sunaya fajr ke baad to Hazrat Abu Bakr Siddiq ne kaha ke ya rasulullah agar aap ijazat de to main iski taweel bataun, aur Hazrat Abu Bakr Siddiq ne wo taweel batayi to Nabi Islam ne muskura ke kaha ke kuch taweel bilkul theek batayi aur kuch theek nahi batayi. To iska matlab ye hai ke it's not just It is not that easy. ये हदीस से साफ समझ आ जाते हैं कि it's not that easy. रोज जो नबी अलैहिस्सलाम से ताबीर का ये वाला लेसन लेते हों उसके बाद भी it is not that easy. कोई भी उठ के ये नहीं कहता कि हाँ ये मुझे ख्वाब की ताबीर आती. तो there are two three categories to this question. सबसे पहली category is the criticality of the dreams. वो मैं इसलिए address सबसे पहले कर रहा हूँ कि इसको बहुत जरूरी समझे. ये मुसलमानों को अल्लाह ताला का हाथ हमारे सर पे डायरेक्ट है, ये इतना जरूरी है. ये ख्वाब सिर्फ मुसलमानों को नहीं आते,
मगर मैं आपको कई सारे लोग बता सकता हूँ जो कि गैर मुस्लिम थे, ख्वाबों के थ्रू गाइड होकर अल्लाह के रास्ते में आए। बहरहाल मैं इस तरफ उनकी तरफ अभी नहीं जा रहा हूँ। हमारे लिए इतनी बड़ी क्रिटिकलिटी है कि अल्लाह ताला दज्जाल के दौर में डायरेक्टली ख्वाबों के थ्रू गाइडेंस देंगे, उसके अलावा हर तरह की गाइडेंस जो पलूट हो चुकी हो। ये एक और तरीका है समझने का कि उलमा के थ्रू दज्जाल नहीं बच सके, हम नहीं उलमा के थ्रू नहीं बच सकेंगे, हर चीज पलूट हो चुकी होगी। इतना बड़ा फितना है दज्जाल का कि हम अल्लाह के बंदों के पास भी जाएंगे तो मिसगाइड हो जाएंगे। इतना मतलब अब खुद बताएंगे इससे बड़ा क्या फितन। दुनिया में कोई भी मसला हो तो हम इल्म वालों के पास जाते हैं, आखिरत के किसी भी किस्म के मसले हो तो उलमा इकराम से रुजू किया जाता है। उस दौर में इस लेवल का फितन होगा कि उलमा इकराम के पास जाके अभी हम गुमराह हो जाएंगे। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि किसी भी लेवल के ऊपर जब फितन इस लेवल पे पहुंच जाए तो अल्लाह ताला गाइडेंस नहीं छोड़ेंगे आपकी, और ख्वाब के थ्रू गाइडेंस देंगे, उसमें तो कोई ताल्लुक वास्ता नहीं किसी और ह्यूमन इंटरवेंशन का। सो आप जो अगली कैटेगरी है ना इस सवाल के जवाब में, जो आपको मुसलमानों की क्लियर होनी चाहिए, वो ये कि ख्वाब है क्या। फिर वो जिसको शौक है उसके लिए हम लंबी तफसील में जरूर करने की कोशिश कर लूंगा किसी और वीडियो में, मगर मैं इसका थोड़ा सा खुलासा यहाँ पे जरूर बयान कर दूं कि ख्वाब जो है वो टेक्निकली, चूंकि इसके पीछे इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब है कि जैसा जो कुछ आपने देखा वो वैसा ही कुछ नहीं। ताबीर जो है उसकी वो कुरान से भी और हदीस से भी साबित है कि जो कुछ आपने देख लिया वैसे नहीं, और जाहिर है इसका मतलब है कि वो किसी और लैंग्वेज में आपसे बात की जाती, वो ऐसे सिंबल्स हैं जिनकी डायरेक्ट इनके मतलब मतालिब हैं जो कि ख्वाब में कुछ और नजर आते हैं, और उनकी उनकी जो ताबीर है वो किसी और, उनकी ट्रांसलेशन किसी और तरीके से अपनी लाइफ में करनी है आप। सो अगर आपने ख्वाब में कुछ जानवर देख लिया और आप पे हमला कर रहा है तो उसका बाकायदा मतलब होना जरूरी है। अब मैंने चूंकि मौलाना सीरीन को बहुत पढ़ा है इसलिए मुझे एक एंगल नजर आया उनका, और मैं उसे आपको एंगल ही बताऊंगा तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इस लैंग्वेज को देखना है। एक मौलाना सीरीन के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं अजान दे रहा हूं। तो मौलाना सीरीन ने उससे उसको कहा कि आपकी ख्वाब की ताबीर के मुताबिक तो वल्लाहु आलम, मगर लगता है ऐसा ही है कि आपको जल्द ही जो है ना वो पुलिस ने पकड़ लेना और आपको जेल हो जाएगी। और वो शख्स चला गया। अब उनके शागिर्द साहब बैठे हुए थे, फिर दूसरा शख्स आया उसी दिन शाम को एक और शख्स ने आके अपना ख्वाब सुनाया। उसने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है मौलाना कि मैं अजान दे रहा हूँ। तो मौलाना ने फिर कहा कि वल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, मगर आपकी ख्वाब की ताबीर ख्वाब से तो लगता है ऐसा ही कि आप अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बहुत उबर होंगे और लोगों को आप बहुत इल्म जो है ना वो से मुस्तफीद करेंगे और लोग आपसे आपके इल्म से बहुत फायदा उठाएंगे और दुनिया में आपका बहुत नाम होगा। उनके शागिर्द ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि शेख आपने एक ही ख्वाब की दो अलग अलग और उल्टी ताबीरें बता दी, इसके पीछे क्या राज है? तो उन्होंने फिर बताया कि ख्वाब को किस तरीके से देखते होते हैं और ख्वाब की ताबीर कैसे देखते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो पहला शख्स था वो एक्चुअली उसकी प्रोफाइल में जो उनको पता थी ऑफ कोर्स कि ये बंदा टेक्निकली एक क्रिमिनल है, मगर ही इज नॉट बीन कॉट येट और बहुत फ्रॉड करता है, लोगों के लेन देन में बहुत मसले हैं। और जो दूसरा बंदा था वो एक जाहिद है और अल्लाह ताला का जो दीन है फैलाने की बहुत कोशिश करता है और बहुत इल्म रखता है। जो अजान का मतलब है ना, अजान का मतलब है कि आपने अब जो कुछ है वो आप लोगों को नजर आना शुरू हो जाएगा आपके बारे में, यू विल बी पब्लिकली अनाउंस्ड, दिस इज व्हाट द मीनिंग इज। सो व्हाटएवर यू आर यू विल बी अनाउंस्ड एंड पीपल विल गेट टू सी एंड हियर यू और व्हाटएवर यू आर मेड आउट ऑफ, एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड देम कि अजान इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट जो ख्वाब में आया है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं आप ज्यादा ख्वाब तो नहीं सुनाऊंगा आपको, मगर ये दोनों अलग अलग ख्वाब सुनाने इसलिए जरूरी है कि आपको पता चल जाए इसकी ट्रांसलेशन किस एंगल से करनी होती है और ये कितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है और मुसलमानों ने इसको कितना डीवैल्यू किया। मतलब हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं मगर हम ये नहीं देखते कि इस्लाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं।
जो कि बहुत जरूरी है कि हमारी आखिरत जो है उसके ऊपर और दुनिया भी उसके ऊपर जो है ना वो पेवमेंट किस तरीके से अल्लाह ताला खुद हमें गाइडेंस दे रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि रास्ता क्या है, उसको पेव किया जा रहा है। इमाम मालिक की ख्वाहिश थी और दुआएं करते थे कि या अल्लाह मैं, क्योंकि सारी उम्र मस्जिद नबी में रहे थे, वो वहीं पे दर्स देते थे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि उनसे किसी दफा कई दफा लोगों ने पूछा कि आप बाहर दर्स के लिए नहीं जाते हैं? इससे नहीं, मैं मेरी ख्वाहिश है कि मैं बस मदीना में ही रहूं। जब बूढ़े हो गए तो फिर तो बिल्कुल ही तो उन्होंने बाहर जाना छोड़ दिया। तो फिर लोगों ने कहा कि आप तो मदीना के बाहर कुछ जगहों पर इलाज है आपका? जैसे नहीं, मैं बाहर जा गया और वहां कहीं और मर गया, तो ये मुझे गवारा नहीं, मैंने मदीना में ही मरना है, मेरी बस किसी तरीके से भी मुझे मदीना नहीं छोड़ना। सारी उम्र मस्जिद नबी में रहने वाले आलिम ने उम्मत के इस इमाम को एक ख्वाब आया और ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई और इमाम मालिक ने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे मदीना छोड़ने के लिए कहा जाता है, मगर मैं मदीना नहीं छोड़ता ताकि मैं कहीं मेरी मौत बाहर ना आ जाए, तो आप क्या समझ रहे हैं मुझे मदीना छोड़ के बाहर जाना चाहिए, चाहे वो नहीं नो कि दर्स या अपने मुआलजे के लिए, तो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कहीं बाहर मरूं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम मालिक से की तरफ देख के ऐसे किया, हाथ अपना दायां हाथ ऐसे करके उनको ऐसे करके दिखा रहा, और इमाम मालिक ने ख्वाब देखा और उसी वक्त अपने गुलाम को ये ख्वाब लिख के दिया और डायरेक्ट बसरा भेजा मौलाना सीरी के पास। अब देखें इमाम मालिक से बड़ा ही क्या नाम होना, इमाम शाफई के डायरेक्ट उस्ताद मौलाना सीरी जो हैं वो इमाम उम्मा नहीं है, वो तबीर रोया के प्रोफेसर है, इमाम मालिक जो है वो तबीर कुरान और हदीस के प्रोफेसर है, गौर से समझिएगा इस बात को। मगर मौलाना सीरी की इस लेवल की रिसर्च थी इस चीज के ऊपर और इतनी गिरिश थी उनको कि इमाम मालिक ने अपने गुलाम को उनके पास भेजा कि जाओ जाके मेरा ख्वाब सुनाओ, मगर कहा कि ये मत बताना कि किसका ख्वाब, बस ख्वाब सुनाओ और ताबीर ले आओ। अब मैंने आपको जान के वो अजान वाला ख्वाब पहले सुनाया जो कि दो अलग अलग बंदों को आया था, तो वो गुलाम गया बसरा, मदीना से बसरा जाना और फिर वापस आने में वक्त लगता है, और पीछे से इमाम मालिक की जो अलालत थी वो इतनी ज्यादा थी कि वो बड़े रिस्क ले रहे थे कि जल्दी से मुझे ख्वाब बताओ इससे पहले कि मैं मर जाऊं। बहरहाल वो गुलाम बसरा पहुंचा, बसरा में जो है वो मौलाना सीरी के यहाँ हाजिर हुआ और उन्होंने कहा कि हमें आपसे ख्वाब की ताबीर पूछनी है, बड़ी दूर से आया हूँ। तो इमाम मौलाना सीरी ने कहा मुझे ख्वाब सुनाए, तो उन्होंने ख्वाब सुनाया, तो मौलाना सीरी ने कहा कि मैं आपको इसकी ताबीर नहीं बता सकता सिवाय इसके कि आप मुझे बताएं कि ये किसका ख्वाब है। तो उनके गुलाम ने कहा कि ये अमानत तो मैं नहीं आप तक आपके सामने जाया करूंगा, ये तो मुझे हुक्म मिला है कि ये नहीं बताना कि किसका ख्वाब है, बस ख्वाब की ताबीर बता। तो मौलाना सीरी ने कहा कि मैं फिर आपको ताबीर नहीं बता सकता, बिकॉज ये मुझे पहले आप बताएंगे किसका ख्वाब है, फिर मैं ताबीर बताऊँ। तो गुलाम छटपटाया कि मैं क्या करूं, ये तो इतनी मतलब महीने लगेंगे आने जाने में, मैं दोबारा आऊंगा जाऊंगा ये वाला सवाल लेके। बहरहाल उसने अपने हुक्म की तामील की, उसने कहा मैं नहीं बता रहा। तो मौलाना सीरी ने कहा फिर मैं ख्वाब की ताबीर भी नहीं बता रहा। गुलाम वापस आ गया और इमाम मालिक तक पहुंचा तो इमाम मालिक रोना शुरू हो गए कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा अच्छा जाके बता दे जाके बता दे किसका ख्वाब है, मगर कोशिश करी कि इसके बगैर काम हो जाए, इसरार कर थोड़ा। वो गुलाम भी गया मौलाना सीरी के पास, दोबारा पहुंचा और उन्होंने कहा मुझे ख्वाब की ताबीर चाहिए। तो मौलाना सीरी ने कहा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे बताएं किसका ख्वाब है। तो गुलाम ने कहा कि आप क्यों, अगर आपसे मैं कहूं कि ये मेरा ख्वाब है तो ख्वाब बदल जाएगा। इनसेन आप, उन्होंने थोड़ा सा इंटरव्यू लिया गुलाम का, उन्होंने कहा कि आपका ख्वाब नहीं है, अगर आपका ख्वाब है तो बिल्कुल कोई और बात है और मुझे ताबीर आती नहीं फिर, क्योंकि ये ख्वाब सिर्फ किसी एक ऐसे आलिम का है कि जिससे अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से गुफ्तगू की है कि जिससे सिर्फ टॉप के उलमा से ही गुफ्तगू की जा सकती। तो गुलाम रोना शुरू हो गया, ने सर जी हाँ ये बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसे पता चला, क्योंकि ताबीर तो आप बताएंगे, आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसे पता चल रहा है कि ये एक
आलिम का ख्वाब है, और वो भी ऐसे के जो कि इस वक्त की उम्मत में सबसे ऊपर का आलिम। तो उन्होंने कहा कि बताएं फिर किसका है, तो उन्होंने कहा ये इमाम मालिक का ख्वाब है। तो मौलाना नसीर ने कहा मुझे भी लगता था कि इमाम मालिक का ख्वाब है, मगर मैं अब आपसे इस तरीके से पूछ नहीं सकता था क्योंकि आपने तहिया किया था, आपने नहीं बताना। तो गुलाम ने कहा मुझे बताएं इसकी ताबीर क्या है। तो पहले उन्होंने कहा कि मुझे बताएं कि आपको कैसे पता चला आलिम का ख्वाब है। अब ये जरूरी बात है यहाँ पे इस सवाल से ना, ये बात जरूर, ये वाला नुक्ता इतना जरूरी था कि मुझे ये पूरे दो वाकयात ख्वाब वाले सुनाने पड़े। मौलाना नसीर ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब में किसी की तशरीफ आवरी की, मतलब हम खुद जाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम तो तशरीफ आवरी नहीं होती, जब ज्यारत हो जाए तो जब नबी अलैहिस्सलाम को कोई देख ले तो नबी अलैहिस्सलाम हर बंदे से उसकी प्रोफाइल के मुताबिक मामलात करते हैं। सो ये नहीं हो सकता कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ किसी गुफ्तगू हो और वो उसको समझ ना आए, या उसको मतलब उसके किसी काम की ना हो, ना उसबिल्ला समझ, तो वो जाहिर है ख्वाब को तो ट्रांसलेट करेगा, उसके किसी काम की ना हो, मगर उसको उसको किस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने समझाया वो उसके उसके इल्म और उसकी काबिलियत के ऊपर है, उसकी प्रोफाइल के ऊपर है, उसकी तकवा के ऊपर। तो ये जो अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने जब इस तरह कहा है ना, तो ये सिर्फ एक आलिम को ही बताया जा सकता है कि ये खास तरीके से समझाया है नबी अलैहिस्सलाम ने एक आलिम को कि तुझे इस बात का पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि जो सवाल तू मुझसे पूछ रहा है कि क्या मैं मदीना छोड़ के जाऊं तो वापस आऊं, ये सेफ है, मैं तो इधर बढ़ना चाहता हूं, ये सवाल था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से इशारा किया कि ये वो पांच चीजें हैं जिसका अल्लाह ने मुझे इल्म नहीं दिया कि कौन कहां पे मरेगा, ये उनमें से एक चीज तू मुझसे पूछ रहा है। ये बहुत गौर से समझिएगा इस बात को, क्योंकि ये बात ख्वाब की कैटेगरी को अंडरस्टैंड समझने में बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि ख्वाब को देखना कैसे। अब मैं आपको 10-12 और ख्वाब सुनाऊं तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा, मगर वो 50 मिनट खाली ख्वाबों में ही निकल जाएंगे। मगर आपको ये बताना इसलिए जरूरी है कि आपको पता हो कि जब एक ख्वाब को हम जब तक उस तरीके से सीरियस नहीं लेंगे जिस तरीके से अल्लाह के दिए गए किसी भी पैगाम को सीरियस लेते हैं, तब तक हम उस कैटेगरी को सीखने की कोशिश नहीं करेंगे। अब वो इंटरनेट पे बैठे होते हैं, माय इस्लामिक ड्रीम इंटरप्रिटेशन के ऊपर उम्मत रोज अपने ख्वाब लिख रही होती है, एटलीस्ट दे आर टेकिंग इट सीरियसली, इवन दो दैट्स नॉट द राइट वे टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ख्वाब क्या होता है। सो मेक श्योर कि हमें पता हो कि जब दज्जाल का वक्त होगा तो हम इस तरीके से एक ख्वाब के इस मामले को समझने की कोशिश करें, वरना गाइडेंस आ रही होगी और हम ले नहीं रही होंगे, जैसे कुरान सामने और पढ़ नहीं रहे, इस तरीके से दज्जाल के दौर में गाइडेंस ख्वाब में आ रही होगी और हमें पता ही नहीं होगा करना क्या। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने वो सीरियसनेस ठहराई नहीं होगी जहन में बचपन में। तो जब तक अपने बच्चों को इस तरीके के ऊपर प्रॉपर लेसन के साथ एक लाइफ स्टाइल के तौर पर नहीं बताएंगे, क्योंकि 6-7 घंटे रोज आपका बच्चा ख्वाब में होता है, हम सब इंसान, वो वाले 7-8 घंटों में गाइडेंस का जो सिलसिला है वो हमने रोक दिया, वो सब्जेक्ट पढ़ाते ही नहीं हम, ना पढ़ते। सो अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट दिस कैटेगरी इज, जब अल्लाह की गाइडेंस नहीं आना है तो फिर अभी मेरे जहन में ऐसे ऐसे वाकयात उन ख्वाबों के बारे में आ रहे हैं कि इट इज सो क्लियर इफ यू रीड, अगर आप पढ़ें इस मामले को ओवर द पीरियड ऑफ यू नो ओवर द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री जो कि साहबा के साथ हुई, ताबईन के साथ हुई, और तब आपको पता चलेगा कि ऐसे मौलाना सीरीन की ख्वाब की इंटरप्रिटेशन का किसने उनसे कोड पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं कुरान फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरा और फिर साहबा के साथ हुए हुए किसी भी वाक्य को से इस्तंबात करता हूँ, इस्तदलाल करता हूँ कि कोर्स वर्क हमारे पास है, जो वाक्य उधर से मैं इंटरप्रेट कर सकता हूँ सिर्फ वही करूंगा, बस उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं आता। सो वो कुरान पाक के थ्रू ही उन तमाम मामलात को देखते थे। अब हम कुरान पाक पढ़ते हैं कि कितनी सिपारे हैं और कितनी आयतें हैं और यू नो कितनी बरकत है इसमें, वो कुरान पाक को देखते थे कि इसमें अल्लाह ताला किस जबान में क्या मैसेज देने की
किस किस बंदे को कहाँ कहाँ पे क्या क्या मैसेज दिया गया, कितनी सख्ती की आयतें, कितनी नरमी की आयतें, कितनी कितने मामलात के ऊपर. मैं आपको लिस्ट में जाऊं तो 2 घंटे लगा दूं कि कुरान पाक में कैटेगरीज किस तरह हैं उस बयान की और उन मामलात को किस तरीके से किस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है. तो मेरे एक उस्ताद थे, उनके उनसे जब मैंने पूछा कि मेरा जो बेटा है, बेटा पैदा हुआ, उनका नाम मैंने रखना है, उसका नाम रखना है, तो उन्होंने कहा कि जिस डेट में जो वाकया सीरा में हुआ है ना, उस डेट में देखो कि असल में कौन रिस्पॉन्सिबल था उस वाक्य का, उसका नाम रखो. मतलब दिल हिल जाता है जब इस तरीके से लोग देखते हैं कि दुनिया में हर डिसीजन को सीरा पे ले जाते हैं. उसके बाद लाइफ में मेरे से जब भी किसी ने पूछा कि मैंने एक नाम रखना है अपने बच्चे का या फिर इस तरह का कोई मामला करना है, तो हमेशा मेरा दिमाग भी जाता है कि इस मौके पे कैलेंडर में ऐसा क्या नबी अलैहिस्सलाम की वाकयात हो रहे थे, तो उस मौके के ऊपर से नाम रखा जाए या कोई कोई उधर से इस्तदलाल लिया जाए किसी भी मामले को इंटरप्रेट करने का. बहरहाल फिर मैंने उनसे कहा कि इस डेट को कोई ऐसा वाकया तो नहीं रजिस्टर्ड, तो उन्होंने कहा कि फिर आप ये बताएं कि आप जो है ना क्या नाम रखना चाहते हैं. तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपने बेटे का नाम हम्बल रखना चाहता हूँ, और उन्होंने कहा कि हम्बल के नाम से मशहूर अहमद है, क्योंकि हम्बल तो फिरका है हम्बली, अहमद बिन हम्बल को हम्बल के नाम से हम जानते हैं, अहमद बिन हम्बल को अपने दौर में अहमद ही के नाम से जाना चाहता था. तो वो अरब थे तो मैं ज्यादा बहस नहीं की, क्योंकि हम तो अहमद बिन हम्बल को हम्बल के नाम से जानते. तो फिर मैंने कहा कि फिर मैं फिर उनके उस्ताद का नाम रख देता हूँ जिनसे मैं खुद इंस्पायर्ड हूँ, सारी उम्र जिनके इनके फलसफे को समझने की कोशिश की है, और फिर अपने बेटे का नाम शाफई रखा. तो उन्होंने फिर कहा कि उसकी उनकी जो है ना जो जो इंटरप्रिटेशन है वो उसके मुताबिक आपको, मैं उन्होंने कहा कि उनका नाम जो है वो उस सीरा से लेना चाहिए, और उन्होंने सेट के क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई एविडेंस रजिस्टर्ड नहीं मिल रहा था, तो वो खुद भी शाफई के फॉलोअर थे, तो रोना शुरू हो गए कि देखिए ये मुझे सबसे पहले मुझे शाफई का नाम ही रिकमेंड करना चाहिए था, और हम आइन में आपके शाफई तक पहुंचे तो मैंने अपने बेटे का नाम पर शाफई रखा. सो अंडरस्टैंड मैं आप किस तरीके से उस साइकोलॉजी को जान के अपने बेटे के वाक्य से बता रहा हूँ कि साइकोलॉजी क्या होती है. मौलाना सीरी की भी यही साइकोलॉजी थी. मौलाना सीरी की क्या साइकोलॉजी थी कि देर इज ए लाइक अ लाइब्रेरी, देर इज अ लाइब्रेरी of the history of what sahabas were doing and talking about and going through, what Nabi al-Islam was going through, what the Quran was, when the Quran was being revealed, un tamam tar waqiat ko ek encyclopedia ke taur pe lete hain Allah ke ye bande, aur us encyclopedia mein se is guidance ko interpret karte hain, rather than ilm-e-najum ka fayda uthayein ya phir koi cosmology ke andar jayein aur सितारों की चाल देख रहे हो, नाउज बिल्ला ऐसा कुछ नहीं करते थे. जितने भी ताबीर रोया के प्रोफेसर थे वो हमेशा सीरा से ताबीर रोया लेते थे, और अभी भी ऐसे ही लेते. सो ये ख्वाब सिर्फ वो नहीं है जिनकी मैं बात करूँ जिसमें नबी अलैहिस्सलाम की ज्यारत हो जाएगी. ख्वाब वो भी हैं जिसका कोई भी ताल्लुक काबा से या नबी अलैहिस्सलाम की ज्यारत से ना हो, मगर गाइडेंस हो उसमें. सो ये इतना जरूरी है कि आपको इसकी सीरियसनेस पता हो, और अगर पता है तो फिर आप इसकी डीकोडिंग की तरफ इल्म वालों से रुजू करेंगे, और ये हर बंदे का फर्ज है कि अपने बच्चों को वो उसी तरीके से उस साइकोलॉजी के ऊपर लेके आए कि ख्वाब जो है वो कितनी 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 बड़ी और कितना बड़ा एहसान है, और कितना ज़रूरी जो हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का, और ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी का बल्कि उन तमाम लोगों का कि जिनके ऊपर जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, या फिर हमारे बाद आना है जिन्होंने. इस बंदे ने एक किताब लिखी थी और 1000 साल तक गाइडेंस देती रही, फॉर एग्जांपल एक इमाम गजाली की किताब ले ले, तो जब उन्होंने किताब लिखने का फैसला किया था तो उनकी साइकोलॉजी ऐसी थी कि आगे के बंदों का फायदा होगा. सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि हम लोगों का सोचेंगे तो हमें पता चलेगा, उम्मत का सोचेंगे तो हमें पता चलेगा क्या चीज़ ज़रूरी है क्या चीज़ नहीं. और इस तरह की कैटेगरीज को इसलिए भी एक जो है ना सप्रेस कर दिया गया है कि बिकॉज इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग. व्हेन अ ड्रीम कम्स टू अ ह्यूमन बीइंग ही थिंक्स इट्स जस्ट अबाउट मी. नो, इट्स नॉट अबाउट यू. अ ड्रीम कम्स टू यू एज अ गाइडेंस फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, मे बी इवन बिलियंस ऑफ पीपल.
And some people have just made this, a few people have made this to be, you know, taken so lightly. और हमें बड़े बड़े ख्वाब आ जाते हैं उसके बाद हमें पता ही नहीं होता कि इसको क्या पता मतलब ख्वाब वही का 46th हिस्सा तो मोमिन का ख्वाब वही का एक हिस्सा है वही का एक हिस्सा है नबी अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह की तरफ से वही आती थी उसका एक बहुत छोटा हिस्सा एक मोमिन को ख्वाब आना तो ये कुछ छोटा मामला है वही का सिलसिला अभी भी नहीं रुका इसका मतलब है जाहिर है एक्सपोनेंशियली एक आयोटा के लेवल पर ही रह गया मगर मोमिन का ख्वाब वही का एक खास हिस्सा है मतलब आप सोचे तो सही हजरत उम्मे ऐमन के पास हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर बिन खत्ताब तशरीफ ले गए और नबी अलैहिस्सलाम के वसाल के बाद और बातचीत चल रही थी उनकी तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की लाइफ की क्या बात है जो आपको बहुत बहुत याद आती है तो उमर ऐमन ने अपना तबसरा बताया कि क्या मामला थे उनके हाँ तो उमर ने फिर अपनी बात बताई कि क्या क्या टाइम गुजारा है उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के साथ उनके होते हुए क्या 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 जिंदगी का उस वक्त मामला चल रहा था तो उन्होंने फिर अबू बकर सिद्दीक से पूछा तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा वही याद आती कि नबी अलैहिस्सलाम के वसाल के बाद वही आना बंद हो गई अल्लाह ताला ने हमसे बातचीत करनी बंद की अब सोचें तो सही कि कितना बड़ा मामला है कि हमें अल्लाह ताला वही का वो हिस्सा जो है ना अल्लाह ताला ने बरकरार रखा हमारे साथ बहुत ही छोटा हिस्सा ऑफ कोर्स मगर ख्वाब जो है वो मोमिन का ख्वाब वही का एक हिस्सा है अल्लाह ताला की इस गाइडेंस को हम ऐसा कैजुअली लेते हैं जैसे कि खाना खाया और हजम हो गया बस पता ही नहीं चला कि खाना खाया तो उसका क्या फायदा हुआ क्या नहीं हुआ और रात को बस ख्वाब आया था सुबह उठे तो खत्म हो गया सो इट इज सच अ बिग थिंग कि जब यूसुफ को ख्वाब आया और उसके थ्रू सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने फिर किस तरीके से बताया कि वो मिस्र के बादशाह ने किस तरीके से यूसुफ के इस ख्वाब की इस जो ताबीर की गिरफ्त है इसके थ्रू वो एक 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 खास जो क्रेडिबिलिटी का टोकन है वो कैसे एक्सेप्ट हुआ और वो ख्वाब कैसे पूरा हुआ मतलब मैं आप तफसील में जाऊं तो ऑफ कोर्स 10 दिन लगेंगे हम इसी बारे में बात करेंगे इतने ख्वाबों की जो है ना वो तफसील हम तक मिल चुकी है मगर ज्यादा ख्वाब के बारे में पढ़ लेने से ख्वाब की ताबीर नहीं आ जाएगी मगर एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि ख्वाब की ताबीर करना कितना जरूरी है और ख्वाब को सीरियस लेना कितना जरूरी है जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम की अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद एक ऐसी सुन्नत जो कि रोज फजर के बाद तवातर के साथ हो तो दिन का आगाज ही अगर ताबीर रोया से होता हो तो इससे ज्यादा जरूरी क्या मामला हो सकता है हमारे साथ मगर हम बस सोते हैं उठते हैं बस और समझते हैं कि मामला बस किसी और दुनिया को किसी और ही एंगल से देखा आई होप अब मैंने आपको शायद आपने नोटिस किया मैं साइंस की तरफ बिल्कुल नहीं गया कि साइंस के थ्रू क्या है मामला और इंटर डायमेंशनल लाइफ स्टाइल क्या है जो ख्वाब में आपकी रूह के साथ मामला हो रहा होता है बिकॉज उसके बहुत तफसील है और बस हल्का सा खुलासा ही और हिंट ही कराया मैंने उधर बाकी सारे मामला पे आई थिंक आई हैव स्पोकन इनफ फॉर द हूएवर आस्क्ड द क्वेश्चन कि उनको ये इसका जवाब मिल गया हो कि ख्वाब को कितना जरूरी क्यों लेना है जज़ाकअल्लाह साहिब भी अच्छा इसके ख्वाब से ही रिलेटेड दो फॉलो अप क्वेश्चन आए हुए हैं अगर वो भी आप उनको आंसर कर दें एक तो साहब ने पूछा कि अंबिया इकराम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा अगर उनसे इंटरेक्ट किया जाए तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है या इसका क्या मतलब है और एक दूसरा क्वेश्चन यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि जब हम सोते हैं तो अल्लाह सुब्हान व तआला नींद में हमारी रूहें कब्ज कर लेते हैं और कुछ की रूहें लुटा दी जाती हैं और कुछ की लुटाई नहीं जाती तो इससे क्या मुराद है ये कोई हम मुख्तलिफ डायमेंशन में चले जाते हैं या इसका क्या मामला है इन दोनों सवालों के अगर आप जवाब दे दें दो तीन जगहों पे कुरान पाक में ये जो है ना सूरह ज़ुमर में जो ये मामला आया है वो तो क्लियरली बता दिया कि छोटी मौत कहा छोटी मौत होती है नींद जो है ना जब रूह निकल जाती है और फिर सुबह वापस आते जब भी उठते हैं तो वापस आ जाती है तो ये
अब इसकी तफसील करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा कि रूह का कॉन्सेप्ट किस तरीके से देखना है, जितना भी हमें समझ आ सकता है। अल्लाह ताला ने खुद ही नहीं बताया इसका, खुद डायरेक्टली कहा कि नहीं बताना, बस ये समझ लो कि अल्लाह का अमर है। पूरे बनी इसराइल में जब रूह का मामला आया तो अल्लाह ताला ने बस बाकी सारी चीजें बता दी। तीन सवाल थे ना यहूदियों के, तो रूह का जो सवाल की बात आई तो अल्लाह ताला ने कहा कि बस इनको ये कह दो कि अल्लाह का अमर है। इसके ऊपर इतनी बड़ी बहस है कि यहूदियों के दो सवाल तो बड़ी तफसील से बताया अल्लाह ने, इस सवाल को अल्लाह ताला ने शन क्यों कर दिया? बड़ी तफसील से बहस है इसके ऊपर उलमा की। पाकिस्तान उर्दू में मैंने कोई तफसीर ऐसी पढ़ी नहीं जिसमें इस पे बहस के ऊपर इतना ज्यादा मामला किया गया हो। सूरह बनी इसराइल की आई थिंक आखिरी कुछ आयात में से आया, उसमें यहूदियों ने ज़ुल्करनैन का सवाल पूछा, फिर असहाबे कहफ का सवाल पूछा और रूह का सवाल पूछा। ये है इसका कॉन्टेक्स्ट। तो बनी इसराइल में और सूरह कहफ इकट्ठी करके ये तीनों सवालों के जवाब, बनी इसराइल और सूरह कहफ इकट्ठी करेंगे तो ये तीनों सवालों का सीरियल आपका पता चल जाएगा। अल्लाह ताला ने कहा ना, ये पूछते हैं कि रूह क्या है, इनसे कह दो कि वो अल्लाह का अमर है, इसके बारे में कम ही लोग, कम ही बस, अब आपको हमें कम ही इल्म है बस। तो अंडरस्टैंड दिस इज सच अ बिग सब्जेक्ट। व्हेन वी से कि जब अल्लाह ताला ने ख्वाब भी दिखाने हैं, रूह का मामला होता है, रात को रूह निकलती है और रात को ही ख्वाब आते हैं, और उससे भी बढ़ के ये कि ख्वाब जो है वो इस दुनिया की गाइडेंस है, रूह कहीं और गई होती है, जिसम इधर ही पड़ा होता, तो ये मामला बहुत आसान हो जाता है अगर ये समझ लिया जाए कि चूंकि जो है ना ख्वाब वो रात का मामला है, तो ये दोनों कैटेगरीज के अंदर इसको अलग अलग टेस्टिंग कर लें कि क्या ख्वाब रूह के साथ मामला होता भी है कि नहीं। एक ख्वाब रूह के साथ नहीं तो जिस्म के साथ मामला होता है, रूह परवाज कर चुकी होती है और जिस्म के अंदर ही ये सारे की सारी ख्वाब की जो है ना वो इंटरप्रिटेशन सॉरी जो है ना वो एप्लीकेशन हो रही होती है, या फिर रूह खुद जिस दुनिया में जाती है वो उस दुनिया जो है ना उसकी मेमोरी ख्वाब है वो होता है। तो उसके ऊपर भी वही मैंने कहा बहुत लंबी बहस है कि जो है ना मेमोरी वो दिमाग की वो अलग से स्टोर है और रूह के अंदर मेमोरी अलग से स्टोर है, बिकॉज ख्वाब जो है वो नजर पूरी रात का आता है हमें। तो अगेन चाहे आप एक मिनट के लिए सोए तब भी आपको तीन तीन साल का ख्वाब आ सकता है, चाहे आप 10-12 घंटे सोए और आपको एक मिनट का ही ख्वाब आए, ये सारे मामला चूंकि दुरुस्त हैं तो ये साफ समझ आ जाती है कि जो वो लाइफ है वो टाइमलेसनेस की लाइफ है। ये साफ समझ आ जाती है कि मुझे अपना मतलब मेरे सामने कई लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किए, मुझे अपना भी एक्सपीरियंस शेयर है, सबको पता है हर एक के साथ, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं करने वाला कि कई दफा ऐसे हुआ है कि आप कॉन्शियसली सोए हैं और आपने बगैर किसी अपने फिजिकल सेंसेस के थ्रू सेकंड भी नहीं लगाया और आपने आंख खोली और सुबह हो चुकी है। मेरे साथ तो हुआ कई दफा और हर एक के साथ हुआ होगा यकीन, मैंने तो इतने लोगों से पूछा, हर एक के साथ ऐसा हुआ कि हाँ वी रिमेम्बर दैट नाइट। A lot of people told me कि जब ये वाकया होता है, इतना बड़ा वाकया है उनके लिए कि consciously आँख खोल के बस आँख पलक झपकी है और सुबह हो चुकी। तो कई दफा ऐसा भी होता है 8 घंटे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता और consciously आप उसको मेजर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कई दफा एक ख्वाब आता है जिसमें आपको इतना लंबा ख्वाब आता है, उसमें आपने उम्र गुजारी, अपनी पूरी जनरेशन गुजार दी होती है, आपके बच्चे और पोते पैदा हो चुके होते हैं और 4 घंटे की नींद नहीं होती आपकी। So, इसका मतलब यह है कि whatever goes through in a totally different dimension where there is a totally different concept of time. That's very evident. And I'm not saying कि यही है जरूरी बात, जो दूसरी बात है कि वो हमारी टाइम जोन के अंदर सारा मामला होता है, ये भी हो सकता है, मगर इतने सारे एविडेंसेस के बाद ये बात तो क्लियर है कि यस इंटर डिमेंशनल ट्रेवल तो होता है। अगर हर जगह नहीं होता तो हो जरूर सकता है, हर ख्वाब में नहीं होता होगा, मगर जिस ख्वाब अभी हुआ है उसमें कोई ऐसी वो अचंभे की बात नहीं है, बिकॉज ऐसे ऐसे मामलात है कि जो उस शख्स को जो उसने देखे होते हैं वो वाकई इट टेक्स टाइम टेकिंग जर्नी ही वेंट थ्रू। सो इट इज एन इंटर डिमेंशनल ट्रेवल फॉर श्योर, इट कुड बी इनसाइड दिस डिमेंशन बट इट इज डेफिनेटली नॉट इन द सेम
कोर्स जो कि उसने ऑफ कोर्स वो तो विस्तार में पढ़ा, उसको उस कोर्स में से तो इतना नहीं गुजारा गया. सो इट्स अ ट्रेजेक्टरी ऑफ मे बी योर सोल विच कम्स इन एंड गैदर्स एवरीथिंग, और वो उस दुनिया की ही लैंग्वेज जो कि आपको ताबीर रोया के प्रोफेसर डीकोड कर देते, और उसके तवातर से ही पता चला है कि लोमड़ी को देख लेने से या किस जानवर को या शेर को या सांप को देख लेने से तवातर से ही ताबीर बताई गई है, तो उन्होंने उसको फिर रकम करना शुरू कर दिया. तो वो लैंग्वेज डीकोडिंग अलग है, मगर आपका सवाल चूंकि लैंग्वेज डीकोडिंग का नहीं है ख्वाब की, तो ख्वाब इंटर डायमेंशनल है. गालिब गुमान मेरा यही है कि इट इज इफ नॉट अ डायमेंशन देन इज डेफिनेटली अ टोटली डिफरेंट. You know, wormhole. This is how things manifest in front of us in our conscious mind. ख्वाब जो है ना, जब आप याद करते हैं कि मैंने ख्वाब क्या देखा है, तो आप conscious mind के अंदर उस memory को पूरी तरीके से play करते हैं. और मौलाना सीरी के पास ही एक शख्स आया और उन्होंने कहा कि मुझे मैंने ख्वाब जो है ना वो याद नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ. तो मौलाना सीरी ने उस कहा कि दरख्त के बारे में सोचें और दरख्त को डिस्क्राइब करें. जैसे उन्होंने दरख्त को डिस्क्राइब करना शुरू किया तो उनको वो ख्वाब याद आ गया. सो इट्स अ कॉन्शियस ट्रिगर दैट यू कैन हैव टू एक्चुअली गैदर द मेमोरी फ्रॉम योर हिप्पोकैम्पस और वेयरएवर दिस मेमोरी ऑफ द सोल इज हिडन. सो अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एंड टू अंडरस्टैंड डिमेंशंस. जज़ाकअल्लाह खैर. अच्छा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अब तो ख्वाब से रिलेटेड आना शुरू हो गए. साहिल भाई, आप ख्वाबों की ताबीर करते हैं, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, अपनी ख्वाब सुनाना शुरू हो गए, तो मैंने कहा ये जी. अच्छा, कोई बुक बता दें. ये दो तीन लोगों ने पूछा है कि डीइंटरप्रिटेशन के लिए कोई बुक ऐसी लिखी हो तो. मैं पाकिस्तान की जितने भी स्कॉलर्स हैं वो मौलाना सीरी को ज्यादा रुजू करते हैं, मगर मैं जिन असातिज़ा से पढ़ा हूँ वो मौलाना इस्माइल को, जो कि इराक और ईरान के बॉर्डर में रहते थे 300-100 साल पहले, 380 साल पहले हो गए, अब तो 2020 है ना, 380 some 400 साल पहले का एक आलिम है जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया था ताबीर रोया के ऊपर. वो मौलाना सीरी से भी ज्यादा गरीब रखते थे, ये बात उनके बारे में वो है जो उलमा कहते हैं कि वो मौलाना सीरी से ज्यादा गरीब रखते थे रोया के ताबीर पे. तो इट्स अ कॉमन नॉलेज, दैट्स फॉर श्योर. अभी मेरे अहबाब को जब ख्वाब आता है तो हम मौलाना हसन की तरफ राउट करते हैं उनको, जो लाहौर में है, कि वो मौलाना हसन, क्योंकि उनके बारे में ये बात बड़ी बसूख से की जाती है, उलमा करते हैं कि मौलाना हसन जो है. अभी मेरे एक दोस्त को ख्वाब आया और उन्होंने काबा भी देख लिया ख्वाब में और नबी अलैहि सलाम की भी ज़ियारत हो गई, और वो हज के दौरान ही, हज के फौरन बाद घर पे आए हुए थे और किसी एक बात पे गमगीन थे कि एक रुकन मिस हो गया उनसे. फाहद नाम है उनका, अल्लाह ताला उनको उनके दर्जा बुलंद करे, दहाई नेक, दहाई ज्यादा रास्तबाज आदमी माशाल्लाह. तो उनका ख्वाब भी इस तरह का ही था कि जरूरी था कि सुनना. उन्होंने मुझे ख्वाब जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से मेरा उनके साथ कनेक्शन भी ऐसा है कि सुबह उठे और फजर में उन्होंने मुझे कॉल की कि मुझे ख्वाब आया, मुझे जल्दी से बताना है. तो मैं कैसे बताऊं, एंड इसने मुझे बता. अभी वो उनकी अहलिया जो है वो हज करके आए थे रात को, और सॉरी हज करके तो रात को मुबारकबाद देने के लिए लोग आते हैं ना, तो वो आए हुए थे. तो बात करते करते पता चला कि एक फजर तक अशराक तक क्याम करना था किसी जगह पे हरम में, तो उन्होंने क्याम नहीं किया और कहते मैं तो फजर पढ़ के लेट गया था. तो बातचीत हो रही थी, तो वो इस बारे में दोनों मियां बीवी रात को ये बात डिस्कस करते रहे कि हज रह गया हमारे, यहाँ तक कि रो पड़े. और फिर सोए तो उनको ख्वाब में फिर नबी इस्लाम ने की ज़ियारत हुई, और वो मस्जिद नबी के अंदर उन्होंने प्रॉपर खुतबा सुना नबी इस्लाम का. उस खुतबे के 5 नुकात थे जो उन्होंने मुझे बताए, और मुझे कहते हैं कि इसका मतलब बताओ. है मैंने फिर कहा कि मैं अपनी तरफ से कोई भी मतलब नहीं बता सकता ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि आप अब किसी भी ऐसे बंदे को ख्वाब, ये भी हदीस है,
वो हदीस ये है कि किसी भी खैर ख्वाह को ख्वाब सुनाए, क्योंकि जो बदख्वाह है आपका, जो भी शख्स है जो आपकी ताबीर बताएगा तो फिर वही समझने की ताबीर है। तो खैर ख्वाह जो है वो बड़ी इंतहाई एहतियात के साथ, और इस मामले में कोई तुक्केबाज आदमी जो है ना उसको जुरत नहीं होनी चाहिए, जिसको अल्लाह का डर है कि वो अपनी तरह ताबीरें बताना शुरू कर दे। इस हदीस के बाद तो कसर ही खत्म हो गई। तो फिर जो ख्वाब को हमने, फिर मैंने कहा मौलाना हसान के पास चलते हैं कुछ, तो वो मौलाना हसान अगले दिन सुबह मौलाना हसान के पास पहुंच चुके थे वो, और पता चला कि मौलाना हसान जो है वो तुर्की गए हुए थे उस वक्त। तो फिर उन्होंने ही बताया कि मौलाना हसान के शागिर्दों ने कि मौलाना हसान के पास क्यों आए आप इस वक्त, तो जो हमें जो मौलाना हसान डाउट करते हैं वो तो मौलाना इस्माइल के पास करते हैं। तो इस तरीके से लोगों को पता होता है कि कब कौन किस चीज के ऊपर ज्यादा रेनाउंड है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था मौलाना इस्माइल ओकाडवी आई थी जो बंद के स्कॉलर हैं। तो ये भी फिर कराची चले गए, ये 48 आवर्स के अंदर, जिसको ख्वाब सीरियस लगता है ना तो फिर वो ऐसे ही करता है। अगले दिन वो कराची पहुंच चुके थे मौलाना इस्माइल के यहाँ, तो वो मस्जिद में गए। तो अब ये जरूरी वाक्य इसलिए आपको सुना रहा हूँ, कहानियां मैं आपको पता होगा मैं नहीं सुनाता होता इतनी। तो ये वाक्य फिर वो मस्जिद में गए तो उन्होंने ख्वाब के लिए इशा के बाद ख्वाब सुनाने की बात की, तो मौलाना इस्माइल ने कहा कि ऐसा ख्वाब है जिसमें दावत का आंसर है। तो इन्होंने कहा कि जी है। उन्होंने कहा सबके सामने सुनाए, लोग तो जरा सा शर्माते हैं। तो फिर उन्होंने ख्वाब पूरा सुनाया तो मौलाना इस्माइल ने कहा कि आप 11वें बंदे हैं जिसको ये ख्वाब आया, उसने मुझे ये ख्वाब सुनाया। उन्होंने फिर वो 5 नुकात में से 4 नुकात का, अभी गौर से सुनिएगा इस नुक्ते को, 5 में से 4 अल्लाह के नबी सलाम के खुतबे के ट्रांसलेशन बताएं कि इनका ये मतलब है, इनका ये मतलब है। सो जिसमें से एक नुकता मैं आपको बताता हूँ बहुत जरूरी, कि नबी सलाम ने उस वक्त इशारा फरमाया कि ये जो शक, ये जो लोग मेरी जाली की तरफ मुंह करके दुआएं कर रहे हैं ना, इनसे कहो कि मुंह उल्टी तरफ करके दुआएं करें। तो उसका उन्होंने मतलब बताया कि ये डायरेक्ट इशारा है कि इस वक्त जो मुसलमान ये भी कहता है ना कि करता तो सब कुछ अल्लाह ही है मगर असबाब दुनिया में अल्लाह ने हमें दे दिए, वो भी शैतान का नकारा बजा रहा है। ये उन्होंने डायरेक्ट नुक्ते का वो बताया। अब 5 में से जब 4 वो बता चुके तो अब वो 5वां बहुत टेक्निकल था, आयरॉनिकली 5वां वो नुक्ता था कि जिसपे मेरा दिल चाह रहा था मैं बताऊं जब उसने मुझे ख्वाब सुनाया था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ नहीं बताया। तो 5वें नुक्ते पे उन्होंने कहा कि ये वाला नुक्ता तो सिर्फ मौलाना हसन ही बता सकते, इसका तो मुझे कुछ नहीं समझ आया कि इसका क्या है, मौलाना हसन से रुजू करें। तो फिर इन्होंने कहा कि हम मौलाना हसन को तो ढूंढते आप तक पहुंचे हैं, वो तो तुर्की गए हैं। तो इसे तो वेट करें, फिर अगर अल्लाह ने चाहा तो जिंदा वापस आएंगे, आपको बताएंगे, ढूंढें उनको। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों को पता होता है ना कि अल्लाह ताला की वही का एक खास हिस्सा है तक पहुंचा है, तो ये कोई छोटा मामला तो है नहीं। किसी और वक्त में पूरा ख्वाब जरूर सुनाऊंगा वो नबी अलैहिस्सलाम का, जो ये जो उनको ख्वाब आया था, मैं तो बल्कि चाहूंगा कि मैं उन्हीं से थ्रू ये ख्वाब सुनवाऊँ सबको। बहरहाल वो उस ख्वाब में से एक बात तो है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबे से पहले इशारा फरमाया कि खुशखबरी सुना दो इस साल जिसने भी हज की अल्लाह ने कबूल कर ली। ये खुतबा स्टार्ट हो रहा था। अब थोड़ा लंबा है, मैं आपको खाली उसका एक, ताकि ये तो तस्कीन पहुंच जाए कि जिस वजह से तुझे ये ज्यारत हुई है वो तेरे दिल की नरमी थी कि तू रो रहा था, तेरा तकवा ये था कि अल्लाह का डर था कि तेरा हज नहीं कबूल हुआ। सबसे पहले ख्वाब में यही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा इशारा फरमाया मस्जिद नबवी में कि खुशखबरी सुना दो कि जिन्होंने इस साल हज किया है अल्लाह ने कबूल कर लिया। तो ये बहुत मतलब इन साहब को तो ये ज्यारत थी कि कहते कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक के जो बाल थे ना वो भी कहते मैं गिन सकता था कि जो दाढ़ी के ऊपर वाले बाल थे मुझे इतने करीब से मुझे मैंने जाके दम जाके उनको देखा। तो बहरहाल द क्वेश्चन इज अबाउट द ड्रीम, सो इट्स सच अ लॉन्ग टॉपिक। मेरा तो ख्याल है आज यही टॉपिक रखते हैं, घंटा हो गया होगा। बिल्कुल घंटा हो गया, और अब सारे सवाल जो आपको ड्रीम से रिलेटेड ही आ रहे हैं। अच्छा साहिल भाई ये बताएं, आपने वही का जैसा ख्वाब वही होती है, इसी तरीके से हजरत मूसा की वालदा को जो वही हुई थी
वो ख्वाब के जरिए से उतनी हुई थी, वो इल्हाम हुआ था अल्लाह की तरफ से। बिल्कुल, और अल्लाह के ये मामलात और भी लोगों के साथ हुए। मरियम को ख्वाब के थ्रू तो नहीं बताया था कि क्या होने लगा है, वो तो डर के भागी थी, समझे। और फिर जिब्राइल ऊपर पहाड़ी तक ऊपर गए। ये गैर नबियों को जो वही होती हैं वो उसी तरीके से होती है जिस तरह बाकियों को होती है, मगर जिसको अल्लाह चाहे बस। ये दो खवातीन देखे ना, ये दो खवातीन को कैसे वही हुई है। बिल्कुल। अच्छा एक क्वेश्चन, शायद इस पे जवाब दे दिया आपने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो बाकी सहाबा जब ये ख्वाब में आते हैं, इसका जरूर कोई मैसेज होता है कोई उस बंदे के लिए, या उससे कोई काम होता है कोई, यानी ये ऐसा तो नहीं होता कि आउट ऑफ द ब्लू ख्वाब आ गई जस्ट लाइक दैट। मैंने इसीलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक वाली बात बताई थी। मैं आपको एक और वाकया सुनाता हूँ। रावलपिंडी के शहर में ना एक आलिम है, बहुत खत्म नबूवत के अमीर हैं, अभी है कि नहीं मुझे नहीं पता, मगर एक वक्त में तो रहे हैं। तो मैं जब भी कोई मेरे पास आता है तो मैं उनके पास भेज देता हूँ जो पिंडी इस्लामाबाद का हो, कि उनसे जाकर पूछूं। तो एक दफा क्या हुआ कि मुझे साथ जाना पड़ा, एक्चुअली मैं खुद ही गया हुआ था। तो एक और शख्स मेरे साथ आ गए थे, उन्होंने ख्वाब सुनाना था मेरे अहबाब में से। तो अब देखें किस तरीके से उलमा जो है ना ख्वाब को देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि ख्वाब सुन लिया लड़के का, तो लड़के से पूछा उन्होंने, उसकी हुलिया देख के शायद उन्होंने गुमान किया होगा। तो उन्होंने कहा कि नमाज पूरी पढ़ते हो, तो ही सेड कि नहीं मैं सारी नमाजें तो नहीं पढ़ता। तो कहते कि कब से छोड़ी हुई। तो लड़के ने कहा कि बस कभी पढ़ लेता हूँ कभी नहीं, जुमा पढ़ लेता हूँ और ये वो फला फला। तो उन्होंने, और इतना बड़ा ख्वाब था कि मैं आपको ख्वाब भी नहीं सुनाऊंगा तो रूह काम जाएगी, इतना क्लियर ख्वाब था, मतलब मैं आराम से इसकी ताबीर बता सकता था, उसमें कोई ऐसा मामला ही नहीं था। और बड़ा मुबारक ख्वाब था मतलब। मगर उन्होंने क्या कहा कि झूठे को सूरह बकरा की आयत सुना के उन्होंने कहा कि तू तो ये सच्चा ख्वाब सिर्फ सच्चे आदमी का होता है, जो अल्लाह को धोखा देता है तो अल्लाह उसको धोखा देता है। तो मैं क्या, मुझे क्या पता कि तुझे ख्वाब के थ्रू धोखा मिला है गाइडेंस। जो बंदा नमाज ही नहीं पढ़ता उसको मैं कैसे बता दूं कि उसका ख्वाब सच्चा है। तो फिर उन्होंने सूरह बकरा की आयत सुनाई ना कि ये समझते हैं कि ये अल्लाह को धोखा दे रहे हैं हालांकि अल्लाह इनको धोखा दे। तो ये सुन के तो जिसे कहते हैं ना पूरी मस्जिद के अंदर एक ऐसा तूफान उन्होंने मचा दिया कि हम किस दुनिया में रहते हैं, और मतलब दीन जो है ना किस साइकोलॉजी से देखा जाता है और हम किस दुनिया से किस साइकोलॉजी से दुनिया में रह रहे। और जब उन्होंने वो आयत सुनाई तो ऐसा लगता था इसके ख्वाब के ऊपर ही वो आयत था, इतनी रेलेवेंट तरीके से उन्होंने इसको कनेक्ट किया उस वक्त। बहरहाल वो रो पड़ा, और फिर मैंने कहा भाई यही मतलब था तेरे ख्वाब का, साफ समझ आ रही थी कि तेरी ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई, अब नमाज पूरी कर। उसके ख्वाब में तकरीबन तकरीबन ऐसा ही कोई मतलब निकलता था, उन्होंने मतलब भी बता दिया और मतलब करके भी दिखा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से नमाज नहीं छोड़ी, और कुछ सालों बाद उसको उसने मुझे बताया कि सर ये देखें ख्वाब के थ्रू मुझे कैसे गाइडेंस मिली कि मेरी उसके बाद कभी फजर तक नहीं छूटी। और मैंने कहा फजर तक ऐसे कह रहे जैसे कि फजर कोई छोटी नमाज है, ये फजर तक नहीं छोड़ी, दो नफल तक नहीं छोड़े ऐसे बोल रहे हो, फजर तो सबसे ज्यादा जरूरी नमाज है। सो क्वेश्चन इज द आंसर इज वेरी सिंपल, साइकोलॉजी में है इसका आंसर। अपनी साइकोलॉजी दुरुस्त करें, मुसलमानों का लाइफ स्टाइल है ख्वाब, हम दिन के वक्त भी गाइडेंस लेते हैं और रात के वक्त भी गाइडेंस लेते हैं, ये खास मुसलमानों के ऊपर करम है। सोते हुए भी अल्लाह हदायत दे रहे, जागते हुए भी अल्लाह हदायत दे रहे, ठीक है। सो आप कोई ना ले तो फिर वो किसी और ही ख्वाब में, वो फिर ख्वाब खरगोश में, इंसानी ख्वाब तो गाइडेंस से भरे हुए हैं। अच्छा एक ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं, और क्या वो भी उसकी ताबीर पूछना है जरूरी है, या कोई मैसेज है जो ख्वाब एक जैसे ही रिपीट हो रहे हो। ख्वाब तो ख्वाब है, रिपीट अगर हो रहा है तो देखिए तीन कैटेगरी है नबी अलैहिस्सलाम के थ्रू बसर बचर के। एक जो है जो कि दिन के वो मामलात हैं जो रात को ख्वाब में आ रहे हैं वही रिपीट हो रहे हैं जो आपके, तो फिर तो आप पूछिए बगैर तो कुछ काम नहीं होगा, पूछे बगैर कोई काम नहीं होगा। बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से है। अब ये देख लीजिएगा ये भी हदीस है,
तो जब बुरा ख्वाब आए तो उल्टी तरफ थूक के आउज बिल्ला पढ़ के उल्टी उल्टे हाथ लेफ्ट हैंड की तरफ आपने बस वो सुन्नत पूरी करनी। अब वो बुरा ख्वाब क्या है उसकी भी तावील उलमा से ही पूछी। अच्छा ठीक है। अच्छा साहिल भाई एक यानी क्वेश्चंस उसके अलावा भी आए हुए हैं वो भी मैं आपसे एक पूछ लेता हूँ। एक हदीस लिखी है अब्दुलरहमान ने, I was sitting behind the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam who was riding a donkey while the sun was setting. He asked, "Do you know where this sets?" I replied, "Allah and His apostle know best." He said, "It sets in a spring of warm water." Bracket में लिखा हुआ है हमीया और इसके आगे लिखा हुआ है, "Is it a scientific error?" Basically question ये है, क्या ये scientific error है? No. आप सूरह काफ की हमारी सीरीज देखिएगा उसमें बड़ी तफसील से इसका जवाब दे दिया हुआ है। आई बिलीव दैट एवरी स्टार सेट्स इन इट्स ओन और मे बी इट गोज इनटू अनदर स्टार बाय पुल बाय अनदर वार्म वाटर ऑफ अनदर स्टार और इट जस्ट टर्न्स इनटू अ पडल ऑफ इट्स ओन वार्म वाटर व्हिच इज जुल्करनैन जब क्या है उस वार्म वाटर के पास तो हमें पता है वो क्या। वार्म वाटर से आपका यहाँ ब्लैक होल मतलब है? नो, ब्लैक होल तो एंड ऑफ द स्टार है, वो तो कहानी खत्म हो गई। वार्म वाटर का मतलब देखें, अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने शाफ माया कि हर आसमान सात आसमान है और हर आसमान के बीच में जो बैरियर है वो पानी का है। और जैसे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस नहीं है भाई, हमें तो हम डायरेक्टली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा रहे थे। यहूदी भी यही मानते थे पहले कि जो पोर्टल्स का रास्ता है ना वो पानी से भरा हुआ है। वो दो मानते थे नबी अलैहिस्सलाम ने जो क्लियर करके सात आसमान बताए। तो हर आसमान फिर अर्श अल्लाह का अर्श है वो भी पानी के ऊपर है। सो ये तमाम तर मामला तो कायनात के हम जिस तरीके से देखते हैं इसको स्पेस टाइम कहते हैं। तो नबी सलाम के थ्रू हमें ये साफ और अल्लाह के थ्रू भी साफ समझ आ रही है कि ये सारा मामला जो है वो लिक्विड मैटर है सारा। साइंस अभी तक यहाँ नहीं पहुंची, साइंस अभी तक इसको फैब्रिक तक ले आई है, अब आ जाएगी साइंस पानी तक भी। और फिर अल्लाह ताला ने कहा ना कि ये जितनी भी हेवनली बॉडीज है ये तैर रही हैं कहा। तो उससे इस हदीस का डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन बगैर किसी साइंस के ही पता चल जाती है कि अगर सूरज पहले ही तैर रहा है तो वो पानी में ही है, वो किसी वार्म वाटर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, वो पहले से ही पानी में। सो तैर तो रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने बता दिया। अब वो आइंस्टाइन बोले वो तैर रहे हैं तब हमें यकीन आ जाएगा। मुझे पहले ही यकीन है, मेरे अल्लाह ने लॉ ही बताया मुझे। बेशक। अच्छा साहिल भाई घंटा से थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह टाइम ज्यादा हो गया। अब हम जो ऑडियंस में अनम्यूट करना चाहते हैं माइक, जिसमें अब्दुल रहमान आप काइंडली अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। अस्सलाम। साहिल भाई ये मतलब जो आपने ये बात यहाँ पे बयान की है ये तो 100% है कि सूरह काफ में जो वहाँ पे यानी डिस्कस किया गया कि वहाँ पे वो हज़रत ज़ुल्करनैन जब वहाँ पे पहुँचे तो इट सीम्स लाइक के वो सन जो है वहाँ पे गया, वो तो बात बिल्कुल क्लियर है, वहाँ से तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं ये मतलब देख रहा था डेविड वुड या इससे इस तरह की मतलब एक क्रिश्चियन प्रीस्ट थे तो उन्होंने ये बात यहाँ से ना एक लिंक क्रिएट किया था कि ये हदीस जो है ये सुनन अबू दाऊद में है कि इस तरह के वहाँ पर यह है कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी वो कहते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के पीछे बैठा हुआ था और उसी तरह वो सारी हदीस है कि जो भाई वकास भाई ने सारी रिसाइट की है। तो उससे फिर उन्होंने ये लिंक क्रिएट किया कि जब उसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आप यानी आपके प्रॉफिट ने जो ट्रांसलेशन किया है कि वहाँ पर तो उसके यानी वहाँ पे सुर वो एक मडी वहाँ पे तो हदीस में अल्फाज है कि एक कीचड़ वाली जगह है कि जहाँ पर सूरज आके गुरूब होता है। तो वो फिर और फिर इसी तरह एक साइमुलटेशन इसकी सही बुखारी में भी मौजूद है। तो वहाँ पर तो वहाँ से तो आप हम ये कह सकते हैं कि वो एक वो क़यामत का जिक्र है उसके अंदर। तो लेकिन ये वाला जो है ना 4002 इसमें तो किसी तौर पे हम यानी तावील नहीं कर सकते। ये यानी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो मेरे जहन में आया था। और क्योंकि यहाँ पे ना यहाँ पे तो डायरेक्ट मड का जिक्र है यानी कीचड़ का जिक्र है कि जहाँ पे सूरज वहाँ पे जाके ग्रूब होता है और वो उस टाइम वहाँ पर यानी साहिल समुंदर भी नहीं थे कि हम ये कह दें कि वो साहिल समुंदर हैं। तो वहाँ पर इट सीम्स लाइक इट्स सेटिंग इन दी मडी, तो ये भी नहीं कहा जा सकता। तो इसका फिर हम किस तरह से यानी आंसर करेंगे यहाँ पर? मैंने आपको इसलिए वो आयत बताई ना कि ये तैर रहे हैं,
जितने भी सितारे हैं और सयारे हैं ये सब तैर रहे हैं अपने 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 ट्रैक्स के अंदर और एक खास तरफ चल रहे हैं, ये भी अल्लाह ताला ने कहा ना मतलब मुस्तकर रहा कि ये बस एंड अपने एंड की तरफ मूव कर रहे हैं, वो तैर रहे हैं तो पानी में ही तैर रहे हैं। अब मड़ी मैंने इसलिए भी हमिया का जो लफ्ज है ना मड का वो इतना जरूरी है कि हमें समझ आ जाए कि आपका सवाल मुझे लगता ही है मतलब पैराफ्रेज क्वेश्चन कि वो तो एंड ऑफ द सन और एंड ऑफ एनी स्टार तो मड में होगा ही होगा, ये इस हदीस में रोज 24 साइकिल आवर की साइकिल के अंदर वो मड में जाता है, ये है इस हदीस का मतलब आपके ख्याल से? मेरा मैंने ये समझाऊ आपके सवाल को, मैं सही समझाऊ? मतलब जो उन्होंने भी लिंक क्रिएट किया था वो भी यही किया था कि जिस तरह एक आम अरब को जब बात समझाई जाएगी तो वो तो यही होगा कि एक उसने तो ये एक साइकोलॉजी है जो कि पाकिस्तान में जरूरी आई भी है और ये मेरे और आप दोनों को बताई गई है कि आम अरब के लिए अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम जो है ना वो अकाम और जो है ना क्या अहदीस जो है ना उनका जखीरा इकट्ठा हुआ नहीं, वो क्यामत के खास क्यामत तक पैदा होने वाले खास नॉन अरब के लिए भी वही अहदीस है। ये ना नबी अलैहिस्सलाम को ना वो समझे नहीं ये लोग कि नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जिम्मेदारी क्या थी, ये इसलिए ऐसी बातें कर देते हैं कि आम अरब को कैजुअल बात करना और उलमा के लिए खास बात करना। नबी अलैहिस्सलाम तमाम था, इसको जवामे उल कलमी कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने बारे में इरशाद फरमाया ठीक है, तो वो नबी अलैहिस्सलाम की कोई भी हदीस जो है ना वो इसलिए नहीं की लिखी थी, वो तो आम बंदे के लिए है तो हमारे लिए किसी काम की नहीं है, तो ऐसे नहीं है। इतना बड़ा वाकया हो गया सूरज के गुरूब होने के बारे में नबी अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्ला कोई उसको कोई बहला फुसला थोड़ी रहे, इतना बड़ा वाकया खुद इरशाद फरमा दिया कि सूरज किस चीज़ों में गुरूब होता है, फिर तो बाकी की तमाम हदीस को भी अब ऐसे ही ले लें अगर इस फलसफे को पकड़ लिया हमने तो फिर तो कोई भी हदीस जो है वो आम अरब से ऊपर नहीं आएगी क्योंकि वो सारी की सारी हदीसों के आगे कहीं ना कहीं पर कोई आम अरब ही बैठा ही होगा। सो आपने सही कहा कि दिस कैन बी टेकन एज नॉट रेलेवेंट टू द ज़ुल्करनैन जर्नी, इट कुड बी टेकन एज अ डेली जर्नी ऑफ द सन एंड आई स्वेयर इट कैन बी दिस सच एन अमेजिंग थिंग, क्योंकि ये अकेली हदीस नहीं है सूरज के बारे में। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सूरज रोज रात को अल्लाह के अर्श के आगे सजदा करता है, फिर इजाजत चाहता है कि सुबह मैं आऊं कि ना आऊं, और फिर अल्लाह ताला इजाजत देते हैं तो सुबह आता है। तो मगर उसके लिए लंबी एक्सप्लेनेशन है क्योंकि वो सुबह और जो रात का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है कुरान में है वो ये नहीं है कि वो सूरज जो है वो जमीन के शेडो में चला गया और रात हो गई और सूरज फिर जब जमीन घूमी तो उसका शेडो खत्म हुआ और सूरज सामने आ गया। रात को फिजिकल एंटिटी के तौर पर अल्लाह ताला ने बताया, सूरज नहीं जमीन के शेडो में आता, एक स्पेशल दिस इज एन एनवलोप दैट कवर्स द सर्टेन पार्ट ऑफ द प्लैनेट, ऑफ कोर्स सूरज तो सामने नहीं होता मगर अल्लाह ताला ने लैल को पहले बनाया और नहार को बाद में बनाया, फल लैल वन नहार, अगर नहार पहले बनाया होता तो हम समझ सकते थे कि द एब्सेंस ऑफ नहार इज लैल, बट नो लैल वाज क्रिएटेड सेपरेटली। वेरी लॉन्ग डिस्कशन एंड आई एम श्योर आई एम होपिंग यू अंडरस्टैंड कि मैं क्यों इसको बस छोटा कर रहा हूँ, क्योंकि रात और दिन के कॉन्सेप्ट से ये बहुत क्लियर होने चाहिए कि ये दोनों अहादीस जो एक आपने बताई और एक जो मैंने अर्श को सजदा करने वाली, ये सब की सब रात को सूरज के अर्श को सजदा करने वाली बात कही है, और जब ये बता दिया कि अर्श पानी के ऊपर है तो वो कोई पानी ही है जहां से सूरज निकल रहा है और आ रहा है, क्योंकि रात को तो आता है उस पानी के अंदर से, अब जाहिर है डायरेक्ट अर्श के ऊपर सजदा करता है कि नहीं, अर्श के सामने, सॉरी दैट्स सब्जेक्ट टू डिस्कशन, सब्जेक्ट टू योर पर्सपेक्टिव, बट यस इट इज नॉट अप फॉर डिस्कशन। जो आपने मतलब इसको भी मैंने इशारतन कोट किया था कि सही बुखारी में जो मतलब मौजूद है ना कि वो अर्श के नीचे सजदा करता है, इसमें यानी एक पॉइंट ये है कि जो उसमें एंड पे आता है कि उसे फिर बाद में इजाजत नहीं दी जाएगी और कहा जाएगा कि जहां से आया वहीं से वापस चला जा, तो क्या साइंटिफिकली ये बात प्रूवन है कि इस दुनिया का यानी अर्थ का ये कभी एंड होगा और फिर ये सूरज जो है वो वेस्ट से होगा, क्या इसकी कोई थ्योरी है या इस तरह की कोई मतलब कोई बेस है इस तरह की साइंटिफिकली? साइंस जहां तक जो पहुंची है कुरान पाक तक जहां तक उसने अपनी जस्ट लगाई है वो ये कि ये वो स्टार है जो हमारा सन है ना, ये वो स्टार है कि जो किसी और अपने मिल्की वे के ब्लैक होल के अंदर नहीं जाएगा, ये वो स्टार है जो खुद ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां तक पहुंची है साइंस बस, जब तक when it comes down to the sun and what's going to happen to its fuel, जो clockwise revolution of the planet है ना, या फिर समझने revolution वही रहो, सूरज जो है ना वो दूसरी तरफ से निकलेगा, जाहिर है वो तो है हदीस के फजर का वक्त इतना लंबा हो जाएगा कि लोग फिर इंतजार करेंगे सूरज क्यों नहीं आया और फिर
बातचीत शुरू हो जाएगी कि सूरज क्यों नहीं निकल रहा, और लोग इकट्ठे हो जाएंगे और इतने में सूरज मगरिब से वापस बुलंद हो जाएगा। ये है उस हदीस, जब सूरज को कहा जाएगा ना कि जहां से आया वहीं से वापस लौट जा, तो ये वो एक दफा ऐसे होगा। अब असल में ना उसके अंदर बहुत बड़ा नुकता ये छुपा हुआ है कि उसके बाद तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा नुकता है, इसलिए मैं इस डिस्कशन के ऊपर अभी नहीं जा सकूंगा, क्योंकि सूरज के घर मगरिब से निकलने से तौबा का क्या ताल्लुक है? ये तो बड़ी निशानी है अल्लाह की जो आ गई, इसके बाद भी एक निशानी आनी है। अभी तो दावतुल अर्ब ने आना है। सो अंडरस्टैंड अ लिटिल टू मच, यू पैक्ड अप सच अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दैट इफ आई ओपन दिस और पार्स दिस सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन, कोई 8-9 कैटेगरीज निकल आती है। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, हिंट नहीं करा रहा हूँ, मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि ये सारे मामला जो है ना हमारे लिए बहुत बड़ी इंसाइक्लोपीडिया खोलते हैं साइंस, लेकिन ये नहीं बता सकी अभी तक कि एक प्लैनेट की रेवोल्यूशन, एसियों के साइंस का ही लेते हैं कि प्लैनेट एक स्टार के अगेंस्ट रिवॉल्व कर रहा है। सो फॉर द स्टार टू एक्चुअली कम फ्रॉम द वेस्ट द सन, द प्लैनेट हैज टू, सॉरी मैंने पूरा साल का चक्कर लगा दिया, प्लैनेट जो अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करना है उससे दिन रात निकलते हैं। तो वो जो है ना रेवोल्यूशन, नो इट नॉट जस्ट हैव टू स्टॉप, इट हैज टू कम इन रिवर्स। ठीक है, अब वो क्या पूरा दिन जो है वो सूरज उसी तरीके से एक साइकिल पूरी करेगा? ना हदीस में ऐसा, ना कुरान में। बस सूरज तुलू होगा, ठीक है, मगरिब से वो पूरी की पूरी साइकिल करेगा कि नहीं? नो वी डोंट नो के मगरिब उस दिन जो है ना वो जापान में शाम होगी, सॉरी जापान में गुरूब होगा उस दिन भी, क्या पता अमेरिका में ही गुरूब हो सूरज। मैं वैसे इस वक्त करंट मैप की बात कर रहा हूँ, मगर निकलेगा अमेरिका से और फिर वापस जाएगा, वी डोंट नो दैट। सो क्या पता थोड़ी देर के लिए रिवर्स हो या फिर पूरा एक साइकिल रिवर्स हो जाए, ठीक है, मगर चूंकि उसके बाद दोबारा से मशीक से निकलना है, द प्लैनेट हैज टू टर्न अराउंड ऑन इट्स ओन एक्सिस जस्ट लाइक द करंट एक्सिस, द करंट रेवोल्यूशन। तो ये लगता है कि अभी तक कि ये जो है ना प्लैनेट वो थोड़ी देर के लिए रिवर्स होगा और फिर वापस अपने मोमेंटम को कैरी करेगा। अब मोमेंटम को कैरी करने के लिए ये हमें फिजिक्स के थ्रू ही पता है कि अगर एक सफियर को रिवर्स मोमेंटम देना हो और वो उसको हल्का सा जर्क लगे तो वो थोड़ी देर के लिए रिवर्स मोमेंटम में आएगा और नेचुरल मोमेंटम को वापस री इनकैप्सुलेट करेगा, वो वापस अपनी स्पिन पकड़ेगा। ये हर सफियर के साथ होता है। अगर आप एक बॉल को जमीन पे फेंके उसको स्पिन करते हुए, तो वो जब वो जमीन पे टकराता है तो वो एंटी स्पिन देता है और वापस स्पिन अपनी मेंटेन कर लेता है। ये हर मतलब उस बंदे को पता है जिसको फिजिक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज भी हो। तो ये लगता है ऐसे ही है कि फिजिक्स के थ्रू ये पता चलता है कि अर्थ विल एक्चुअली गो इनटू अ बम्प एंड विल गो इन रिवर्स एंड देन विल मेंटेन द रेगुलर स्पिन। सो उसके थ्रू ही मैं ये बात सोचने पे मजबूर हुआ था कि क्या पूरा दिन का साइकिल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने शाफ फरमाया कि जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो क्या मशरिक में ग़ुरूब भी होगा? मगर मशरिक में ग़ुरूब होने की हदीस नहीं मिली, मगरिब से निकलने की हदीस मिली। जज़ाकअल्लाह खैर साहिल भाई, ये वाकई में बहुत डिटेल और बड़ा डेप्थ वाला टॉपिक है। इसको हमने सूरह काहफ में बहुत सी चीजों का एड्रेस किया हुआ है, आप अब्दुर्रहमान उसको जरूर सुनना इंशाल्लाह, कल जो हमारे सूरह काहफ का अगला पार्ट भी रिलीज होने वाला। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। इसके बारकल्लाह। इसके बाद जबीन इरफान अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लें प्लीज। नहीं, आपकी आवाज में थोड़ा सा शोर है, क्लियर नहीं। वैसे यहाँ पे शोर नहीं है मेरे पास तो। No, it's not about the external noise. It's the software that is. अच्छा, is it better now? जी जी, आप पूछें। आप बात पूछिए, सवाल पूछिए। सोचे थे मुझे पे आपसे पूछना है। नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। I'm really sorry, जतीन आपका कोई I think आपका अब बेहतर है, आप काफी बेहतर हो गए।
अच्छा मैं सवाल ये करना चाह रही थी कि आपने एक जगह मैंने आपकी वीडियो देखी थी तो उसमें ये था कि आपने कहा था कि हम लोग थ्री डायमेंशन में रहते हैं और वैसे 11 डायमेंशन थ्री डायमेंशंस हम लोग जैसे हम लोग थ्री डायमेंशंस में रहते हैं वी ह्यूमन बीइंग्स और आपने कहा था कि 11 डायमेंशंस हैं जी ठीक है अच्छा मुझे ये बताइए कि जो लोग ड्रीम्स देखते हैं जो ख्वाब देखते हैं सच्चे ख्वाब होते हैं क्योंकि हर एक को सच्चे ख्वाब नहीं आते तो क्या ये वो लोग हैं जो शायद एक से ज्यादा डायमेंशंस में चले जाते हैं या कुछ लोग सीयर्स होते हैं जो कि आगे का भी देख सकते हैं तो क्या ये वो लोग हैं जो डायमेंशंस ज्यादा देख सकते हैं या ज्यादा डायमेंशंस में जा सकते हैं या ये इस चीज को हम मतलब तीन से ज्यादा डायमेंशंस में हम लोग किसी चीज से इसको इस चीज को अक्वायर कर सकते हैं जैसे मुराकबे होते हैं लोगों के या लोगों की इबादतें होती हैं तो ये मुझे पूछना था खासतौर से ख्वाबों का कि क्या ये लोग वो लोग हैं जो दे कैन गो इनटू मोर देन थ्री डायमेंशंस दे कैन सी मोर देन थ्री डायमेंशंस ख्वाब के लिए ना तो ये आपको पता होना चाहिए था कि जब मिस्र के बादशाह को ख्वाब आया था तो वो मुसलमान नहीं था और बड़ी तफसील है कि वो बड़े बड़े लोगों को ख्वाब आए हुए हैं कि जो जिनका ईमान से दूर का भी ताल्लुक नहीं है और है भी तो किसी ऐसे कम लेवल पे हैं तो उसके लिए मुराकबे की जरूरत नहीं है मुराकबे के जी जी तो आप मुराकबे से समझे मेडिटेशन है जैसे इवन नॉन मुस्लिम्स डू दैट लाइक बुद्धिस्ट वो लोग भी मेडिटेशन करते हैं और बुद्धिस्ट का तो बल्कि ये एक उनका बिलीफ है कि जैसे रात में जब वो सोते हैं तो अक्सर हमारी रूह जो है वो बिल्कुल एक धागे से हमारे जिस्म से रह जाती है और बाकी रूह जो है वो ट्रेवल करती है ये डायमेंशन का उनके यहाँ भी कॉन्सेप्ट है तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या कुछ कोई भी हो इबादत है या मेडिटेशन है या व्हाटएवर तो उससे आप ये इस चीज को हासिल कर सकते हैं कि आप एक से ज्यादा डायमेंशंस में चले जाएं ये मगर वो दिन के टाइम करेंगे ना वो तो जागते हुए करेंगे चाइनीज डू दैट एंड दे क्लेम टू डू दैट व्हाइल दे आर अवेक Muslims also claim to do that when they're awake. Nobody claims ki main khwab mein ye kuch karke dikhaunga. They actually think ke din dhaade aankh khole. Imam Ghazali ne jab likha na ki maine jab puchna tha ki kaun sa jo hai ye guru haq pe hai to fir malaika se maine din dhaade jaagte hue pucha ki kaun sa ko to unhone mujhe din dhaade jaagte hue bataya ki ye wala guru haq pe hai to maine isi liye mera sharaf sadat tha. To Ghazali ne khwab mein thodi dekha tha. Aap theek keh rahi hain ki wo unhone apne us अपने उस तरीके से ही जिक्र के उस तरीके से उस जिक्र के उसको परफेक्ट करके उन्होंने वो वाले इंटरडायमेंशनल मामलात किए थे. बहरहाल मैं गजाली से नहीं इस्तदलाल लेता, मैं तो सूरह काफ से इस्तदलाल ले रहा हूँ. जब खिजर ने जब ये मामला करके बताया कि दूसरी डायमेंशन से देखना कैसे तुम्हारी डायमेंशन को, तो ये बहुत क्रिटिकल मामला हो जाता है. नबी अलैहिस्सलाम मतलब मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर वो सब्र हो ही नहीं सकता. तुम जिस डिमेंशन से आए हो उस डिमेंशन में ये मामलात जिस स्पीड से गुजरते हैं तुम्हें तुम्हारी उस मेक में ही नहीं है कि तुम इस डिमेंशन में आके समझ सको और तुम सबर कर सको. सो हज़रत मूसा ने बार बार कोशिश की सबर करें और उनसे सबर नहीं हुआ क्योंकि उस डिमेंशन के मामलात ही कुछ और थे. तो और ये वो डिमेंशन है कि जिसमें वो टाइमलेसनेस में है ना, तो इसका मतलब है वो लिटरली फिफ्थ डिमेंशन में. डिमेंशन नंबर 5 में थे हज़रत, अगर फिफ्थ में नहीं थे तो सिक्स में थे, फोर्थ डायमेंशन में तो नहीं थे वो. दे वर एक्चुअली इन द क्योंकि फोर्थ डायमेंशन अगर टाइम है जो कि है तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, तो फिफ्थ डायमेंशन टाइमलेसनेस होगी और सिक्स डायमेंशन वुड बी वेयर एवर यू लुकिंग एट द पर्सन हु इज इन टाइमलेसनेस. मगर मैं फोर्थ डायमेंशन में हूं तो मैं टाइम के साथ फ्लो कर रहा हूँ. फिफ्थ डायमेंशन में तो टाइम को बाहर से देख रहा हूँ और सिक्स डिमेंशन में हूं तो मैं अपने आप को बाहर से देख रहा हूं जो कि टाइम को बाहर से देख रहा है. ठीक है, इस तरीके से डिमेंशन है ना. सो जो एक्सट्रापोलेशंस होती है ना, एल्गोरिथम्स होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं, जो कि ऑप्शंस टू अगर मैंने ये कर लिया तो ये हो जाएगा, ये सारी की सारी तो फोर्थ डिमेंशन फिफ्थ डिमेंशन से नजर आ रही होती है, जो कि लगता तो ऐसे ही किधर को ही नजर आ रही थी. मगर अगर वो सिक्स में भी थे तब देव ही वुड बी एबल टू कंट्रोल ऑल ऑफ दैट. फिफ्थ डिमेंशन मैन कैन ओनली सी इट, द
the sixth dimension man would be able to control it. And he was controlling it. He was altering the, adjusting the behavior. So he was in dimension number six for sure. At least for number six. At least. Wallahu alam, of course. Dimension ka bhi lafz humne ek presupposition mein liya hua na idhar to. So what I need you to understand is that it is nothing to do with the dreams. But the dream world is that when the soul actually transcends into a certain dimension where there's so much going on, and it is going on in a normal life of that soul at that point in time. But when it comes down, that normality has to be translated into the normality of the body and this world now. And that's where the interpretation of the dream comes into play. And this is the case that I have to say, itni sari study bahut zaruri hai ki aur uske liye kya hoga physics kyun padhte hain because seriousness hai uske piche maths ke piche seriousness hai mutala pakistan ke piche seriousness nahi hai to koi padhta nahi so roya ke liye bhi seriousness jo hai na seriousness honi zaruri hai ki ye allah tala ka direct allah tala ka ilham direct har insaan pe ho raha hai hum lekin usko serious le nahi rahe so it's a thank you continue our thought ke thank you very much, Jameen. Very interesting question you have asked. I have a little problem. The problem is that at 10:30 I had an appointment, so it's okay. It's going to, or mujhe na, it's too critical that I don't miss that appointment. Otherwise, I would have prolonged this session. So last question, already. ठीक है हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हसन काइंडली आप अपना क्वेश्चन पूछ ले और मैं बाकियों से माजरत करूंगा हसन आप अपना क्वेश्चन पूछ वी कैन डू दिस सेशन लेटर इन द नाइट एज वेल इफ यू कैन मुझे सिर्फ दो घंटे की अपॉइंटमेंट है मेरा वो सेशन बुक्ड है आगे सर भी वो लेट हो जाएगा क्योंकि काफी लोगों के लिए दो घंटे वेट करना इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट पाकिस्तानियों के लिए लेट होगा ना जो जो अरब्स हैं उनके लिए तो लेट नहीं होगा सर भी गो नो प्रॉब्लम आई कैन आस्क यू लेटर व्हेन वी हैव अ सेशन टुगेदर मैंने क्वेश्चन करने आपसे बहुत सारे जी जरूर मुझे मैंने आपको साहिल भाई मैंने आपको पिछले वो रिमाइंड भी करवाने हैं रिमाइंडर देना है मैंने आपको आपने पेंडिंग में डाले हुए मेरे क्वेश्चन ये वो पेंडिंग वाले ही आज लेने थे मसला ये कि वो एक सब हेलो साहिल भाई मेरे ख्याल में वो कास्ट सेशन एंड करते हैं उन्होंने ज्वाइन भी करना हम तो इंशाल्लाह हम एंड करते हैं जजाकल्लाह खैर एवरीवन अनफॉर्चूनेटली साहिल भाई की अपॉइंटमेंट थी मैं तो चाह रहा था मैं सबको टाइम दूं तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन इंशाल्लाह मैं अभी तंजील के साथ बात करके और साहिल भाई से सेशन जो उनका खत्म होता है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि कल वो किस टाइम पे हमें टाइम दे सकते हैं मैं फिर इंशाल्लाह यूट्यूब पे अनाउंस कर दूंगा थैंक यू वेरी मच जज़ाकअल्लाह खैर अस्सलाम वालेकुम मुझे एक बात कहनी है जी 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 मुझे कहना था आज का आपका सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था एंड थैंक यू सो मच यू आर वेलकम थैंक यू फॉर द एनकरेजिंग यू नो रिमार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट कीप यू नो कीप अस इन योर प्रेयर्स और इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जिस तरीके से आपने भी पूछा और बाकी भी हमारे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हैं कि कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है मैं जैसा मैंने शुरू में कहा ये मत सोचें कि हम किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हम लोग जरूर नोट किया हुआ है और हम लोग डिस्कस करते हैं सिर्फ हम देखते हैं कि टॉपिक की मुनासिबत से आज मैंने बहुत से क्वेश्चन छोड़े हैं तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट सेशन अनाउंस करेंगे और इंशाल्लाह उसको हम बताएंगे थैंक यू वेरी मच अस्सलाम वालेकुम थैंक यू सो मच वालेकुम अस्सलाम